नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन कैसे यूज होता है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है और बाकी जैसे उसके टाइप्स क्या है। तो शुरू करते हैं। क्रिएटिन के 6 टाइप्स हैं। पहला आता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि हम सब यूज करते हैं। क्रिएटिन इथिल एस्टर, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन मैग्नीशियम केलेट, बफरिंग क्रिएटिन, लिक्विड क्रिएटिन, ऐसे 6 टाइप्स है। पर हम सब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज करते हैं, तो हम उसी के बारे में जानना चाहते हैं। क्रिएटिन सप्लीमेंट बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट माना जाता है, क्योंकि क्रिएटिन सप्लीमेंट बहुत ही चीप सप्लीमेंट माना जाता है। क्रिएटिन सप्लीमेंट बहुत जन यूज करते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, और ये सही से इस्तेमाल करें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि क्रिएटिन कैसे यूज। बहुत से लड़के जो जिम जाते हैं वो क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज करना चाहते हैं, पर वो क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनके बारे में उसको पता ही नहीं होता। क्रिएटिन सप्लीमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट आप प्री वर्कआउट में जब लेते हो जिम के जाने से 15 या 20 मिनट पहले, तो क्रिएटिन आपको वेट लिफ्ट करने में आपको हेल्प करता है। क्रिएटिन आपको उतना वजन उठाने के लिए या उतना वेट उठाने के लिए हेल्प करता है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एनर्जी को एनर्जी फ्यूल करता है। एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के 1-1.5 घंटे बाद आपकी एनर्जी जो खत्म हो जाती है, तो क्रिएटिन आपको मदद करता है वेट लिफ्ट करने में, आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो क्रिएटिन के ये छोटे फायदे जो आपको वर्कआउट करते समय समझ में आएगा। बहुत लोगों को लगता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट का इफेक्ट है वो बॉडी पे मांसपेशियां बढ़ाने के लिए होता है, पर ऐसा नहीं होता। क्रिएटिन बॉडी पे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। नहीं पता कि क्रिएटिन बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है। क्रिएटिन मांसपेशियां बढ़ाने में इफेक्ट नहीं करता, मसल बढ़ाने में इफेक्ट नहीं करता। क्रिएटिन जब आप वेट लिफ्ट करते हैं, हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, तब क्रिएटिन हमें मदद करता है, कैसे बॉडी पे इफेक्ट करता है। सबको लगता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट बॉडी में मसल बढ़ाने के लिए इफेक्ट करता है, पर ऐसा नहीं है। क्रिएटिन जब जिम में आप प्री वर्कआउट में लेते हो तो आपको वेट लिफ्ट करने में हेल्प होती है, तो आपको वेट लिफ्ट करने के बाद आपके मसल पेशियों पे प्रेशर आता है, मांसपेशियों पे प्रेशर आता है, तो आप वेट लिफ्ट करते हो और वो मसल ग्रो होता है। तो क्रिएटिन ऐसा इफेक्ट करता है, और क्रिएटिन है उस वाटर होल्ड करता है मसल में, तो आपके का वेट वाटर के रूप में बढ़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। क्रिएटिन 3 एमिनो एसिड का मिश्रण होता है, ग्लाइसिन, एल्गरनाइन, मिथोइन, ये 3 एमिनो एसिड का मिश्रण होता है। पर ये स्टेरॉइड नहीं है, ये लेबोरेटरी में या लैब में आर्टिफिशियली बनाया जाता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्रिएटिन का साइड इफेक्ट क्या है। क्रिएटिन का साइड इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, वो 4 साल से रिसर्च किया जा रहा है, पर 4 साल में कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखाया गया। बहुत जन का मानना है कि क्रिएटिन किडनी, पैंक्रियास, लीवर पे इफेक्ट करता है, पर साइंटिफिकली ऐसा प्रूवन नहीं किया गया कि क्रिएटिन किडनी या लीवर पे ही या पैंक्रियास पे ही प्रेशर आता है, या कुछ इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होते हैं, या फेल होती है किडनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएटिन लेते हो या आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, तो क्रिएटिन का साइड इफेक्ट है कि क्रिएटिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो हाउ डज वर्क क्रिएटिन, क्रिएटिन कैसे यूज होता है। क्रिएटिन हमारे शरीर में खून के जरिए मांसपेशियों में जाकर क्रिएटिन फॉस्फोरस के रूप में स्टोर होता है, और जब हम वर्कआउट करते हैं तब उस समय क्रिएटिन हमें एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एटीपी में 3 फॉस्फोरस होते हैं,
जब हम वर्कआउट के दौरान एनर्जी कम होती है तब एटीपी में से एक फास्फोरस हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बचे हुए दो फास्फोरस एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडीपी जब तक एनर्जी के रूप में नहीं यूज होते तब तक ये एक रेटिन वे बॉडी में यूज होते रहता है, और ऐसे ही हमें क्रिएटिन हार्ड इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए मदद करता है और उनकी अवधि भी बढ़ जाती है। रह गई बात क्रिएटिन कब यूज करें, तो क्रिएटिन कभी भी यूज कर सकते हो, दिन भर, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट में। ज्यादातर लोग प्री वर्कआउट में लेते हैं, सुबह उठने के बाद लिया तभी भी कुछ नहीं। क्रिएटिन डेली यूज कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि क्रिएटिन की मात्रा हमारे बॉडी में बहुत कम रहती है। तो क्रिएटिन आप कभी भी यूज कर सकते हो और कितना भी यूज करते हो। क्रिएटिन एक दिन में 3 ग्राम स्कूप, 5 ग्राम का स्कूप रहता है, तो 3 ग्राम या 5 ग्राम आप कंज्यूम कर सकते हो बॉडी में। जब आप क्रिएटिन यूज करोगे तो आप दिन भर 4 से 5 लीटर पानी पीजिएगा, इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी और क्रिएटिन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगे। क्रिएटिन मसल में वाटर होल्ड करके रखता है, इससे आपको वेट बढ़ाने में मदद होती है, बल्क करने में मदद होती है।